सदर जलसा तेलंगाना राष्ट्र समिति वर्किंग प्रेसिडेंट इज्जत मां केटी रामाराव साहब, पार्टी सेक्रेटरी जनरल केशव राव साहब, मिनिस्टर्स तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, सबिता इंद्रेड्डी साहबा, मल्लारेड्डी साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे तमाम एमएलसीज, एमएलएस, कारपोरेटर्स, इंचार्जेस, पार्टी के तमाम अहम कायदीन, मेरे भाइयों बहनों सबको मेरा सलाम और नमस्कार। आज यकीनन हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हम तेलंगाना के अंदर इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी बनी है तेलंगाना हासिल करने के लिए, हमारे आनेबल सीएम साहब के चंद्रशेखर राव साहब ने 2001 में पार्टी बनाई थी। उस वक्त लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, अरे साबिका में चिन्नाडी साहब भी पार्टी बनाए थे, मूवमेंट चलाए थे, खत्म हो गया। मगर हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर पैदा हुए तो 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए और 19वीं सदी में केसीआर साहब पैदा हुए। तेलंगाना के अवाम को हक दिलाने के लिए बहुत सी पार्टियां बने हिंदुस्तान में। हमारी स्टेट में तेलुगु देशम पार्टी बनी, 9 महीने में इख्तदार आई। मगर हमारे सीएम साहब इख्तदार के लिए नहीं, तेलंगाना अवाम के हक दिलाने के लिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी बनाई। और इनकी जो जद्दोजहद रही, एक साल दो साल नहीं, 14 साल की जद्दोजहद रही। 14 साल की जद्दोजहद में उन्होंने तेलंगाना के अवाम में इतना अवेयरनेस बिल्टअप किया कि आज आप देखते हैं, जिस वक्त पार्टी चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था, हमारे आनेबल सीएम साहब बिल लाने के लिए पार्लियामेंट में 33 पार्टियों की नुमाइंदगी थी, तमाम लोगों से लेटर लिया, एक एक पार्टी से 5-5 बार 10-10 बार मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना के मसाइल बताकर तेलंगाना के हक में उनसे लेटर लिया। और आज तेलंगाना का बिल जो उस वक्त पार्लियामेंट में पास हुआ, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, अगर केसीआर साहब की जद्दोजहद नहीं रहती तो बिल पास नहीं होता। सीएम साहब ने जब 2009 के इलेक्शन के बाद तेलंगाना के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, बाद में सीएम साहब ने देखा कि तेलंगाना नहीं बनेगा, कई बार तेलंगाना के लिए इस्तीफा दिया, आखिरकार मरण मत बैठा। एक दिन अगर आप खाना नहीं खाते, दोपहर का नहीं खाते, सुबह का नहीं खाते, तो माँ बाप ढूंढते निकल जाते। पर हमारे आनेबल सीएम साहब ने 11 दिन मरण पर बैठा, एक दाना नहीं खाया। जब 11वें दिन उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी, जब हमारे जयशंकर साहब थे, केटी रामाराव साहब थे, हरीश राव साहब थे, बहुत से हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, कविता मैडम थे, और हमारे केसीआर साहब की जो अहलिया थे, हमारी भाभी, उन्होंने सब रिक्वेस्ट किया, पार्टी के कायदीन भी रिक्वेस्ट किए केसीआर साहब से कि आप भरत तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो फिर से मूवमेंट चला सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा था केसीआर साहब को कभी भी कुछ हो सकता है, हमारे वाहिद लीडर केसीआर साहब है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर वन लीडर है। तेलंगाना के अवाम के लिए उन्होंने एक ही जुमला कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं है, मगर मेरी अवाम को मेरा तेलंगाना दिलाना चाहिए। ऐसे लीडर कहाँ पैदा होते बताइए। तेलंगाना बनने के वक्त बहुत लोगों ने बातें की, हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट थे तेलंगाना के अंदर, 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास में आते थे, टोटल तेलंगाना में कोई डेवलपमेंट नहीं था, सारी दौलत आंध्रा में जाती थी। लोग उस वक्त सवाल करते थे केसीआर साहब से, साहब तेलंगाना बनेगा तो नेक्सिज्म कैसा खत्म करेंगे, तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल करेंगे, तेलंगाना बनेगा तो हमारे फार्मर जो खुदकशी कर रहे हैं उन्हें कैसा रोका जाएगा। आप जानते हैं हिंदुस्तान में कहीं फार्मर्स की जो सपोर्ट हुई है हमारे तेलंगाना स्टेट में, वो हिंदुस्तान में कहीं दुनिया में भी नहीं हुई है। आज हमारे फार्मर्स सारे के सारे खुशहाल है, रैतु बंधु रैतु बीमा देकर उन लोगों को सीएम साहब ने खुशहाल बनाया। करंट का बहुत बड़ा शॉर्टेज था, आज करंट में हिंदुस्तान में सरप्लस स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। लैंड ऑर्डर में नेक्सिज्म था, लैंड ऑर्डर हैदराबाद में फिसादात होते थे, सारे तेलंगाना में फिसादात होते, उसे खत्म करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। उन्होंने तेलंगाना में जो खुशहाली लाई है, आज घर घर पानी पहुंचाया, केनाल के जरिए कालेश्वर प्रोजेक्ट के जरिए हमारे किसानों को उन्होंने बड़ी मदद की। आज तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर वन स्टेट की तरह काम कर रहा है, उसका सेहरा आनेबल सीएम साहब को जाता है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना के अवाम को आजादी दी है। आज इससे पहले हम 2 नंबर के शहरी तक जीते थे, तेलंगाना वालों की कोई इज्जत नहीं, पूरा डोमिनेशन आंध्र वालों का चलता था। आज देखते हैं तेलंगाना वाले बहादुरी के साथ तरक्की कर रहे हैं, हर शोबे हयात में तरक्की कर रहे हैं। मैं हमारे केटी रामाराव साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्हें भी दिल की गर्व से मुबारकबाद आता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आईटी में डेवलपमेंट लाया है, आज इंडिया में आईटी में तेलंगाना स्टार्ट बहुत तेजी से तरक्की है।
हमारा म्युनिसिपल कोरोना के अंदर इतनी परेशानी में रात रात सड़कें डालने वाली कोई पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है, कोई लीडर है तो केटी रामाराव साहब है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि हम सबको केटीआर साहब को सुनना है। यकीनन भारत के नौजवान कायदों में नंबर वन लीडर केटीआर साहब है। बहुत से लीडरों के कायदीन बहुत नौजवान कायदीन है, पर केटीआर साहब की जो सलाहियत है वो सलाहियत किसी में नहीं है। इंशाल्लाह हमारा तेलंगाना, मैं एक बात कहता हूँ, हमारे तेलंगाना के जो बहादुर नौजवान यहाँ बैठे हैं, हमारी बहनें बैठे हैं, हर किस्म की कुर्बानी देकर तेलंगाना पार्टी का साथ देते हुए तेलंगाना में हमारी पार्टी और केसीआर साहब को मदद की है। मैं यकीन से कहता हूँ आने वाली टाइम तक और 25 साल तक कोई पार्टी आने वाली नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले बेवकूफ लोग हैं, वो समझते हैं कि तेलंगाना के आवाम टीआरएस पार्टी को और केसीआर साहब को आने वाली नस्ल तक नहीं भूल सकते। उन्होंने इस तेलंगाना को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हुए पार्टी बनाकर आज़ादी दिलाई है। आज तेलंगाना स्टेट सारे हिंदुस्तान में परेड इनकम में नंबर वन है। आज मैं ही तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कायदीन प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, हर कोई तारीफ करता है कि तेलंगाना में कितना अच्छा लैंड ऑर्डर है, तेलंगाना में कितने अच्छा तरीके से किसी अच्छी तरक्की से आनेबल सीएम साहब यहाँ तरक्की दिला रहे हैं। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों, बहुत से हमारे पुराने कायदीन यहाँ है जो 2001 से काम करते आ रहे हैं, यकीनन उनके साथ भी जरूर इंसाफ होगा और सबको अपना हक मिलेगा। मुझे जो वक्त दिया गया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, थैंक यू।